नॉर्मली क्या होता है, डिप्लोमेट्स आते हैं, मीटिंग अटेंड करते चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी देश में आना और फिर इस तरीके से एक जेस्चर दिखाना कि आप एक तरीके से एक स्टेटमेंट होती है पूरी दुनिया के सामने कि हाँ हम कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इंडिया के साथ और कितनी बढ़िया रिलेशन है इंडिया के साथ। और आज के टाइम पे वो वाला टाइम गया कि जब इंडिया ऐसे देखता था अमेरिका आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। अब ये है कि भैया अमेरिका भी आ रहा है, ये देश भी आ रहा है, आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और इनका स्वागत करते हैं बड़े तरीके से। वो वाली स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो इंडी प्लस न्यूज़ की वीडियो है। तो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन इंडिया आए थे शायद G20 की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, और कई भी और भी कई सारी मीटिंग्स होगी उनकी। तो जब वो आए तो यहाँ एम्बेसी में जब आए तो उनको ऑटो में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। तो उसी पर इंडी प्लस का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अमेरिका के विदेश मंत्री कर रहे हैं भारत के अंदर पूरी चिल्ल, अपनी एम्बेसी के अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर पहुंचे, भारत के अंदर दिल लग गया अमेरिका के विदेश मंत्री का। तो दोस्तों आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की, जिनका दिल नहीं कर रहा है अमेरिका वापस जाने का। जब से भारत के अंदर आए हैं तब से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंगें करते जा रहे हैं और अपने अलग अलग ऑफिशियलों से मिलते जा रहे हैं। भारत के अंदर ये एंट्री करते हैं तो G20 की मीटिंग के अंदर ये हिस्सा लेते हैं, फिर भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं और फिर क्वाड की मीटिंग में भी सारे लीडरों के साथ बातचीत करते हैं और रायसीना डायलॉग का भी हिस्सा बनते हैं। और इसके बाद अब भारत की सड़कों पर ऑटो रिक्शा से सफर भी करते हैं। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं और बेसिकली अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और दुनिया की सुपर पावर कंट्री है, तो आपको लगता होगा तो कि इनकी तो सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त होती होगी। हाँ। दोस्तों सिक्योरिटी तो जबरदस्त होती है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन क्या आप बिलीव कर सकोगे कि ऑटो के अंदर बिठाकर अमेरिका के विदेश मंत्री को अमेरिका की एम्बेसी के अंदर लाया गया है और उन्होंने इस विजिट के चलते कहा है कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं भारत के अंदर, लेकिन ये जो मेरी ट्रिप है बहुत शॉर्ट समय की है, मैं और समय भी बिताना चाहता था। अमेरिका की एम्बेसी का जो स्टाफ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हो और भारतीय कम्युनिटी के भी लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अमेरिका की एम्बेसी के अंदर काम करते हैं। और यहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे तो उनके लिए सरप्राइज अमेरिका के एम्बेसी के स्टाफ ने रख रखा था। ये सरप्राइज देखकर अमेरिका के विदेश मंत्री भी काफी दंग रह गए कि वाह भैया इन्होंने तो ऑटो मंगा लिए हैं। दोस्तों आपको हमने वीडियो बनाकर दिया था कि जहां पर नाटो हेल्प नहीं कर सकती है आपकी, वहां पर ऑटो आपकी हेल्प कर सकता है। बेसिकली वो तो हमने आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दी थी जब यूक्रेन के अंदर जंग चल रही थी और एक वायरल वीडियो निकली थी। लेकिन यहां पर एक भारत की कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के एम्बेसी ने ये काम किया है और ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि भारत की एम्बेसी के अंदर उनकी एंट्री जैसे होती है और जो भी एक काम करने वाले एक वर्कर हैं उनके साथ भी वो उन्होंने अपना समय साझा किया है और जो वीडियो निकली है वो वीडियो आप देख लीजिए, मजा आ जाएगा वीडियो देखने का। I'm a very safe driver. We're in your hand. See on the other side. Great, wow. You're having a nice time in India so far, sir. It's been great as always. Fantastic. The only frustration is not being able to stay a little bit longer. You get pretty good mileage with this, too. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here, Mr. Thanks so much. रिक्शा में एंट्री। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन अच्छी वीडियो थी। ये भी रिक्शा की राइड को एंजॉय कर रहे थे इतने छोटे से वीडियो से, तो ऐसा ही लग रहा है। और उनका वीडियो से पता चलता है कि उनका मन थोड़ा और लंबा रुकने का था इंडिया में, लेकिन वो बिजी इतने है, कई और भी कई सारे काम होते हुए तो शायद वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये एम्बेसी के अंदर ही लग रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटो में उनको ले जाया गया और साथ में पीछे चार पांच और भी ऑटो दिख रहे थे। तो उनके साथ जो उनका स्टाफ या कोई सिक्योरिटी पर्सनल होगा या और भी कई लोग होंगे जो उनके साथ पीछे राइड कर रहे थे, और जो रिक्शा चला रहे थे वो भी एम्बेसी की ही कोई एम्प्लॉय होगी जो ये रिक्शा चला रही थी, और शायद उन्होंने पहले चलाई होगी तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि ऐसे तो उनकी
सिक्योरिटी भी साथ में कहीं ना कहीं तो होगी, तो उनको ऐसे कोई भी ड्राइवर के साथ बैठने की तो इजाज़त होगी नहीं। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।